इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास में छिड़ी जंग के बीच आतंकवाद और हमास की निंदा नहीं करने पर इजरायली सरकार ने चीन पर नाराजगी जताई है। बता दें कि शुक्रवार को चीन में एक इजरायली डिप्लोमेट पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया था, जिसमें वो घायल हो गए। इस घटना के बाद इजरायली सरकार ने चीन के डिप्लोमेट से बात की है। इजरायली विदेश मंत्री एली कोहने के निर्देश पर वहां के एशिया प्रशांत मामलों के उप महानिदेशक और राजदूत की रफी हरपाज ने चीन सरकार के विशेष दूत झाई जू के साथ फोन पर बातचीत की है। मिडल ईस्ट में उपजे संकट और हमास के हमले को लेकर हरपाज ने कहा है कि दक्षिणी इजराइल में हो रही घटनाओं पर चीन के बयानों और मीडिया रिपोर्ट में बहुत निराश है। उन्होंने कहा कि इन रिपोर्ट में आतंकवादी संगठन हमास द्वारा निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किए गए आतंकवादी हमलों और क्रूर नरसंहारों के साथ साथ गाजा पट्टी में दर्जनों लोगों के अपहरण की कोई स्पष्ट निंदा नहीं थी। इजराइल के राजदूत रफी हरपाज की तरफ से आगे कहा गया है कि चीन के बयान में इजराइल ने के अपनी ओर से अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार का कोई उल्लेख नहीं है, जो मानव समाज के लिए अभूतपूर्व और असहनीय क्रूर हमले के सामने किसी भी स्वप्रभु राज्य के मौलिक अधिकार है।